सभापति जी, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है, ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम। और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म को भी हमने
लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है।